दोस्तों, कल हमने देखा होगा कि मार्केट जो कि बहुत ही बुरी तरह गिरा था और मार्केट आज सरप्राइजिंगली कि वो रिवर्स हो गया। तो ऐसे क्या हो गया मार्केट में? तो जैसे कि मैंने कल कहा था कि बिकॉज ऑफ कुछ न्यूज जो किसको फाइंड आउट नहीं हो रहा था, उसके वजह से मार्केट जो है कि गिरा। लेकिन एक कैंडल से हम लोग नहीं सोच सकते कि मार्केट ये डाउन जाएगा। तो यहाँ पे मार्केट कवर भी हुआ है और कुछ पैटर्न भी बने हैं, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा। जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे तो बैंक निफ्टी में एक बुलिश पियर्सिंग पैटर्न बन गया है। ये बुलिश पियर्सिंग पैटर्न क्या होता है ये मैं बताऊंगा। और जैसे कि बाकी बैंकिंग स्टॉक है, जैसे कि HDFC बैंक, वहां पे बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट भी हुआ है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहिए। तो हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट डेली व्यू। मार्केट डेली व्यू में हम लोग देखेंगे कि 22 दिसंबर को मार्केट कैसे रहेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और जी स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मोमेंटम रहेगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं निफ्टी से। तो दोस्तों, हम लोग स्पेशली मैं आपको बैंक निफ्टी के बारे में बताऊंगा। पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे निफ्टी, और यहाँ पे निफ्टी अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग यहाँ पे 100 पॉइंट पॉजिटिव है और बैंक निफ्टी 394, यानी बैंक निफ्टी ज्यादा पॉजिटिव है। लेकिन पहले हम लोग निफ्टी के बारे में देख लेते हैं। तो निफ्टी यहाँ पे देखिए कि जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जो प्राइस एक्शन, आप देख लीजिए कि जो पहले मार्केट ने एक रेंज बनाया था, राइट। और जैसे मैंने कहा था कि मार्केट कल नेगेटिव हुआ, तो मैंने कहा कि पहले ये लेवल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में ये। लेकिन ये लेवल जो ब्रेकआउट का लेवल था, और यहाँ पे जो है कि लगभग 21,000 का भी एक लेवल आ रहा है, तो मार्केट ने जो है कि बॉटम से लगभग 250 और उससे भी ज्यादा जो कि उसका रिकवरी किया। मार्केट अगर नीचे गैप डाउन ओपन होता है और ये रिकवरी कर रहा है, इसका मतलब मार्केट में पॉजिटिविटी बची हुई है और मार्केट एक्चुअली पॉजिटिव भी क्लोज हुआ है। लेकिन ये जो पॉजिटिविटी है बहुत ही अच्छी है कि कल के नेगेटिविटी को भी यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे 21,000 का जो हमारा ये था लगभग, ये जो तो सपोर्ट काम में आ गया। वैसे देखा जाए तो लो जो था 2976 लो था, तो एक सपोर्ट लेवल है, तो उसके थोड़ा नीचे जाके मार्केट बाउंस होगा। सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोज होता तो ये नेगेटिव था, मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बताया था। और ये यहाँ पे 21-31 ये जो एक लेवल है, ये रेंज के आगे अंदर जाके यहाँ पे मार्केट क्लोज किया है, यानी ये बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। तो यहाँ पे कल हमारे लिए क्या लेवल हो सकता है और हम लोग कैसे ट्रेडिंग करेंगे? तो आज आज का जो हाई बना था ये भी हमारे लिए एक लेवल बनता है, 21,000 लगभग ये 300 आता है। तो दोस्तों, जैसे कि ऊपर अगर हम लोग ये लेवल देख रहे हैं 21,300, तो ये हमारे लिए कल का एक रेजिस्टेंस होगा, और नीचे जो था हमारा 21,000। तो यहाँ पे मैंने कल भी आपको ये रेंज बताया था, और मार्केट यहाँ पे लगभग ए लेवल के बीच में यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट बहुत ही अच्छे लेवल से रिकवरी कर रहा है, और कल भी यहाँ पे इसके वजह से हमको एक पॉजिटिव मार्केट जो कि देखने को मिल सकता है। अभी नेक्स्ट जो मार्केट ऊपर भी जाएगा तो 21,300 का यहाँ पे रेजिस्टेंस है ही हमारे लिए, लेकिन ज्यादा स्ट्रांग मार्केट होगा 21,500 के ऊपर क्लोज देना, ये ज्यादा पॉजिटिव होगा। नीचे 21,000 का सपोर्ट है जो कि आज भी लिया था और कल भी हमको ये देखना है। कल हम लोग इंट्राडे में ट्रेडिंग करेंगे, तो बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं? यहाँ पे अगर हम लोग इंट्राडे में कल ट्रेड करेंगे तो पहला लेवल 21,289 के ऊपर जाता है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए सोच सकते हैं। दूसरा जो लेवल है जो कि हमको इंट्राडे के लिए नया लेवल यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, जो कि हमको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो हमको शॉर्ट करना है, तो वो लेवल होगा 21,182 के नीचे हम लोग इंट्राडे के लिए यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको अभी बैंक निफ्टी के बारे में बताता हूँ जो कि आज का हाईलाइट भी है, क्योंकि अगर मैं आपको ये बताऊँ तो क्यों, क्योंकि देखिए कि ये जो कैंडल बना है, अगर आप लोग देखेंगे जो डेली का कल का कैंडल बना है और यहाँ पे मार्केट नेगेटिव आ रहा था, और ये जो कैंडल बना है ये कल का कैंडल के 50% से ऊपर है। अगर हम लोग यहाँ पे जो है कि फिबोनाची लेवल भी लगा के देखते हैं, तो यहाँ पे फिबोनाची हम लोग देखेंगे तो इसका 50% आ रहा है 47,684, और इसके ऊपर ये क्लोज हुआ है। तो जब भी जो है कि ये बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो ये बुलिश पियर्सिंग पैटर्न कैसे आता है? तो ये पहला नेगेटिव कैंडल है और मार्केट थोड़ा नीचे आ रहा है, पहला नेगेटिव कैंडल है और वो भी बड़ा, और दूसरा जो कैंडल आता है बुलिश, वो उसका 50% के ऊपर क्लोज देता है, इसको बुलिश पियर्सिंग कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन बताते हैं। इसमें क्या होता है कि मार्केट अगर
अगर हम ये भी कैंडल ले सकते कि जो कि आज का है उसके ऊपर, या फिर अगर आपको ज्यादा ही लेना है तो जो कि हाई वाला कैंडल है उसके ऊपर भी जाता है तो जाके क्लोज होता है। तो ये रिवर्सल पैटर्न है, ये अपसाइड जाने वाला पैटर्न है, यानी बुलिश पैटर्न है। तो ये बहुत ही अच्छा पैटर्न है। एटलीस्ट कल मार्केट 47,939 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग देना चाहिए। और बहुत सारे पैटर्न जो है कि अगर आप देखोगे कि बैंकिंग स्टॉक बहुत ही अच्छा यहाँ पे कर रहे हैं, और प्लस ये बुलिश पेयर्सिंग पैटर्न, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा बैंक में अपॉर्चुनिटी है कि एक रिवर्सल होने का। और यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक में भी आपको बहुत अच्छा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखिए कि अपना जो ये लो बना था लगभग है 46,928, ये अगर आप लो देखोगे तो ये लेवल हमने पहले ही लगाया। तो आप अगर मेरे कल के भी वीडियो देखोगे तो मोस्टली जो लेवल मैंने लगाया होता है वहां से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छी तरह यहाँ पे मार्केट लेता है। आपको कल जो कि आपको ये दूर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो पता चल गए, अभी कल हमको कैसे इंट्राडे करना है आप लोग देखेंगे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी में। तो देखिए कि ये जो मेरा ये था, देखिए ये सपोर्ट लेवल था, आज बहुत ही अच्छा यहाँ पे वर्क हुआ। और यहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट थे उनको ये पैटर्न मालूम है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा बाइंग हुआ था। ऊपर का एक ट्रेंड लाइन देखिए, ट्रेंड लाइन की यहाँ पे भी जो मेरा लाइव क्लास चल रहा था, तो जो अगर मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं उनको मालूम है यहाँ पे भी बाइंग आया था। और यहाँ पे मैंने लाइव मार्केट में यहाँ पे बाइंग दिखाया था और हमने स्टूडेंट से भी देखा है। तो जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं कमेंट्स करना कि आपने यहाँ पे देखा कि नहीं देखा था, जो हमने यहाँ पे बाइंग निकाला था और अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर आया था। अभी हम लोग देखें कल हमको क्या ट्रेड करना है। तो 47,939 लगभग आज का हाई है, उसके ऊपर हम लोग बाइंग के लिए देखेंगे। सेलिंग के लिए देखेंगे 47,592 जो ये लेवल है, इसके नीचे जाते तो हम लोग बैंक निफ्टी में सेलिंग के लिए देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है कि फिन निफ्टी, अगर हम फिन निफ्टी देखते हैं तो यहाँ पे फिन निफ्टी में जो है कि कवरिंग आया है, अच्छा कवरिंग दिया है, लेकिन बैंक निफ्टी इतना नहीं दिया है। तो फिन निफ्टी का अगर नजदीक वाला सपोर्ट देखेंगे तो 21,157 ये लेवल हम लोग सपोर्ट करके कंसिडर करेंगे। कल के रेजिस्टेंस है 21,334 का, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे रह सकता है। फिर निफ्टी 21,560 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो ये यहाँ पे बहुत स्ट्रांग हो सकता है। कल फिर निफ्टी में ट्रेड करना है तो हम लोग बाइंग के लिए देख सकते हैं 21,413 के ऊपर ही बाइंग करेंगे, और सेलिंग के लिए वो होगा 21,157 के नीचे यहाँ पे सेल करेंगे। तो फिर निफ्टी में अगर आप देखते हो तो देखिए पहले जो लेवल दिया है वहां पे भी देखो कैसे प्राइजेशन आ रहा, सेम टाइम यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी बाइंग आया था। दोस्तों यहाँ पे मैं जैसे कि हम लोग कल कुछ स्टॉक देखे थे, तो यहाँ पे देखिए एलएनटी, तो एलएनटी अगर आप देखोगे तो ये नीचे भी आया था और अपना टारगेट भी किया, बाद में मार्केट कवर हुआ तो ये हुआ था। और उसके बाद जो बीपीसीएल देखोगे तो यहाँ पे ये ओपन होने के बाद गैप डाउन हुआ और फिर ऊपर गया, तो ये वर्क नहीं हुआ राइट। अभी जैसे मैंने आपको कल बताया भी था, अगर मार्केट जो मुझे ये था लग रहा था कि मार्केट जो है कि हम लोग नेगेटिव देख रहे हैं, लेकिन वो पॉजिटिव भी हो सकता है, इसलिए मैंने कल आपको कहा था कि अगर मार्केट पॉजिटिव है और अपना प्रॉपर प्राइजेशन नहीं आता तो वो ट्रेड अटेंड मत करो। कल के लिए बहुत ही अच्छे स्टॉक हम लोग देख रहे हैं, एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक में देखे कि बहुत ही अच्छा पैटर्न बना है और वो बैंक निफ्टी को बहुत ऊपर लेके जा सकता है। अभी आप देखो ये जो लेवल था 1660 के ऊपर एचडीएफसी बैंक कभी सक्सेसफुली क्लोज नहीं हुआ, जैसे कि अभी आज देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सक्सेसफुली क्लोज हुआ है। पीछे कभी भी देखो कि इसके ऊपर ज्यादा ये जो है कि रुका नहीं है। और आज का जो ब्रेकआउट है तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हुआ है और हाई ऑफ द डे क्लोज हुआ है एचडीएफसी बैंक। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा पैटर्न बना है एचडीएफसी बैंक में और बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट। तो एचडीएफसी बैंक कल हम लोग 1689 के ऊपर जाता है तो आप बाय कर सकते हो। तो पहला टारगेट यहाँ पे होगा 1704, 1704, और सेकंड टारगेट होगा 1715 का, सेकंड टारगेट यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अडानी पोर्ट, अडानी पोर्ट में क्या पैटर्न बन रहा है हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए कि अडानी पोर्ट अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखिए तो एक ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रिटेस्ट पे ए क्लोज हुआ है। अगर हम लोग पीछे देखेंगे तो ए लेवल देखिए, ए लेवल था उसका, ए लेवल ब्रेकआउट हुआ था और यहाँ पे ये क्या हुआ कि ये सपोर्ट पे ऊपर क्लोज हुआ है। तो हम लोग इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको ट्रेडिंग के लिए देखेंगे, इसका जो हाई है आज का जो हाई के ऊपर हम लोग इसमें बाय कर सकते हैं। वो लेवल है 1028 का यहाँ पे लेवल है, और उसका जो टारगेट होगा वो यहाँ पे जो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे आ सकता है 1073 का, पहला टारगेट यहाँ पे आ सकता है।
तो दोस्तों जिन स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं कि कल ये स्टॉक ऐसे चलने चाहिए। इसमें आपको ट्रेड करने तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आप इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों ऐसे आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है लाइव मार्केट में तो दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।